नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजी ऑन गेमिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं GTA Vice City गेम के काफी सारे मोड्स। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं पूरे 10 GTA Vice City गेम के मोड्स के बारे में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे के सारे मोड्स को आप किस तरीके से अपने GTA Vice City गेम में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके की जो वीडियो है वो इस चैनल पर सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं GTA Vice City गेम के सबसे पहले मॉड के बारे में। तो जो सबसे पहला मॉड है दोस्तों, उसका नेम है यहाँ पे ग्रेविटी गन। जब दोस्तों आप इस मॉड को अपने गेम में इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इस मॉड को अपने गेम में एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके पास दोस्तों इस टाइप की एक गन आ जाएगी और इस गन से दोस्तों आप कितनी भी गाड़ियों को दूर भगा सकते हैं अपने से, और जितने भी GTA Vice City गेम में लोग होते हैं उन्हें आप उठा उठा के दूसरी जगह पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अभी मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो मॉड है वो काफी ज्यादा कमाल का है और इस मॉड से दोस्तों आप किसी को भी यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप अगर पुलिस वाले को भी अगर पंच मारते हैं इस मॉड को यूज करके तो भी आपके ऊपर जो स्टार्स हैं वो नहीं लगने वाले हैं। और जितनी भी गाड़ी है दोस्तों, जितनी भी गाड़ी वगैरह आपके पास आएंगी उन सारी की सारी बाइक्स को या उन सारी की सारी कार्स को दोस्तों आप इस तरीके से अपने से दूर भगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जब भी आप किसी पुलिस वाले की गाड़ी अपने से दूर भगाएंगे तो भी दोस्तों आपके ऊपर जो स्टार्स हैं वो नहीं लगने वाले हैं। आप दोस्तों इस मॉड को यूज करके इस GTA Vice City गेम में कितनी भी तबाही मचा सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप एक यूज कर रहे हैं ग्रेविटी गन का मॉड। और तो और दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे और आप इन सारे के सारे लोगों को एक एक करके एक दूसरे के ऊपर बैठा सकते हैं या फिर आप एक एक करके इन सारे के सारे लोगों से यहाँ पे लड़ भी सकते हैं। और इनमें से दोस्तों आपसे कोई भी कुछ भी नहीं बोलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों ये ना हमसे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं तो अभी हम इसे ऊपर से हवा में उड़ा देते हैं इस मॉड को यूज करके। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम GTA Vice City गेम के सेकंड मॉड के बारे में। ये जो मॉड है दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल का मॉड है, क्योंकि दोस्तों इस मॉड को यूज करके आप चाहे जहां जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप अपनी फर्स्ट सिटी में हैं अगर GTA Vice City गेम में, तो आप इस मॉड को यूज करके आप GTA Vice City गेम में सेकंड वाली सिटी में आसानी से जा सकते हैं। जैसा कि अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस मॉड को अपने गेम में एक्टिवेट कर लिया है और अभी ये जो टॉमी वर्सिटी है दोस्तों, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है, अभी मैं इसे थोड़ा सा पानी के पास लेकर चलता हूँ और फिर आप देखिएगा कि इस मॉड का दोस्तों क्या कमाल होता है। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं इसे जंप करा देता हूँ और यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो टॉमी वर्सिटी है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है दोस्तों, वो यहाँ पे पानी में जो है स्विमिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस मॉड को यूज करके आप अपने कैरेक्टर से दोस्तों स्विमिंग करा सकते हैं और दोस्तों इस तरीके से आप मतलब स्विमिंग कर करके आप सेकंड वाली सिटी में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी बीच वाले आइलैंड भी जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉड है वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इससे दोस्तों आप किसी भी बोट के ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी पुलिस वाले की बोट के ऊपर जाते हैं इस मॉड को यूज करके, तो वो दोस्तों अपनी बोट से ही भाग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगर इस मॉड को यूज करके अगर पुलिस वाले को यहाँ पे मारते हैं तो आपके ऊपर स्टार तो लग सकते हैं, बट दोस्तों आपके पास मतलब आपको कोई पकड़ने नहीं आ सकता, क्योंकि अभी दोस्तों आप पानी के अंदर हैं। और ये जो मॉड है दोस्तों सिर्फ आप ही के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपके अलावा दोस्तों और भी कोई इस पानी में आता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर मर जाएगा, यानी कि दोस्तों वो उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से वेस्टेड हो जाएगी। और दोस्तों इस मॉड को यूज करके आप पानी में तो आ सकते हैं, बट जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चढ़ने का कोई ज्यादा अच्छा सा रास्ता नहीं है। बट अगर मैं चाहूँ तो इसे आगे से कहीं से भी जा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हर जगह बाउंड्री बाउंड्री है, इसी वजह से मैं यहाँ पर किसी भी उसके ऊपर नहीं जा सकता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे GTA Vice City गेम के थर्ड मॉड के बारे में। और ये जो मॉड है दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि जब दोस्तों आप इस मॉड को यूज करते हैं तो आप दोस्तों GTA Vice City गेम में जितनी भी कार्स हैं या फिर जितनी भी बाइक्स हैं, जितने भी ट्रक्स हैं या फिर जितने भी हेलीकॉप्टर हैं या फिर जितनी भी जीप्स हैं दोस्तों, उन सभी को दोस्तों आप इस मॉड को यूज करके यहाँ पे बुला सकते हैं। और दोस्तों इस मॉड को यूज करके आप हेलीकॉप्टर तक बुला सकते हैं, जो कि आपको मिलिट्री बेस में मिलता है, वो भी आप दोस्तों इस मॉड को यूज करके यहाँ पे बुला सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप जो छोटी छोटी कार्स होती है GTA Vice City में, उनको भी दोस्तों आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से बुला सकते हैं इस मॉड को यूज करके। इस मॉड को दोस्तों
यूज करने से आपके जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको बाइक वगैरह या प्लेन वगैरह काफी ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे अपने बिल्कुल पास में। ये जो मॉड है दोस्तों, इस मॉड का नेम है कार स्पॉनर और आप इस मॉड को अपने गेम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे का सारा जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आप इन सभी मॉड्स को अपने गेम में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर किसी भी बाइक को यहाँ बुला सकता हूँ, किसी भी गाड़ी को यहाँ पे बुला सकता हूँ, किसी भी ट्रक को दोस्तों इस मॉड को यूज करके यहाँ पे मैं बुला सकता हूँ। और इस तरीके से आप दोस्तों इस मॉड का काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस मॉड को यूज करने के बाद आपको GTA Vice City अल्टीमेट ट्रेनर की भी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी जो कार्स हैं दोस्तों वो आप इसी मॉड को यूज करके बुला सकते हैं और इस मॉड का आप काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं GTA Vice City गेम के फोर्थ मॉड के बारे में। और दोस्तों इस मॉड का जो नेम है वो है नाइट्रोजन मॉड। जब दोस्तों आप इस मॉड को अपने गेम में इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इस मॉड को अपने गेम में यूज करेंगे तो दोस्तों आप किसी भी कार में, किसी भी बोट में, किसी भी बाइक में, किसी भी हेलीकॉप्टर में जो नाइट्रोजन है उसे आप लगा पाएंगे और दोस्तों उसे यूज भी कर पाएंगे। और दोस्तों जब आप नाइट्रोजन का यूज करेंगे अपने व्हीकल में तो आपकी जो गाड़ी है दोस्तों वो इस तरीके से हवा में उड़ने लगेगी। बट दोस्तों अगर आप जो नाइट्रोजन है उसे आप धीरे धीरे यूज करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है दोस्तों वो धीरे धीरे मतलब चलेगी। जैसा कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो टैक्सी है वो ले ली है और अभी मैं दोस्तों इस टैक्सी को मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो ये जो टैक्सी है वो हवा में भी नहीं उड़ रही है और ये जो टैक्सी है वो काफी सही तरीके से आगे चल रही है। इस मॉड को दोस्तों आप GTA Vice City गेम में काफी सारी जगह यूज कर सकते हैं। आप जब किसी मिशन को कंप्लीट कर रहे हो तो भी आप इस नाइट्रोजन मॉड को यूज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस नाइट्रोजन मॉड को यूज करने से जो भी व्हीकल होगा आपका, वो आपका जो व्हीकल है वो काफी ज्यादा फास्ट चलेगा और आप उसे धीरे धीरे करके भी उसे चला पाएंगे। और जैसा कि अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टैक्सी है दोस्तों वो काफी ज्यादा फास्ट चल रही है और इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है जब मैं जो नाइट्रोजन है वो एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो टैक्सी है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो नाइट्रोजन की स्पीड से चल पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो इस नाइट्रोजन के मॉड को यूज करके आप GTA Vice City गेम में जो है स्टंट भी मार सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों ये जो एक छोटा सा स्टंट यहाँ पे इसने लगाया 10 फीट का, जिसमें कि जो टॉमी वर्सिटी है यानी कि हमें जो है दोस्तों $45 यहाँ पे मिल चुके हैं। और दोस्तों आप इस मॉड को यूज करने के बाद अपनी गाड़ी को हवा में भी लेकर जा सकते हैं और अगर आप इसे चलाते रहेंगे तो आपकी जो गाड़ी है दोस्तों वो हवा में जाने लगेगी जैसा कि आपने पहले देखा था। तो अब बात करते हैं दोस्तों GTA Vice City गेम के फिफ्थ मॉड के बारे में। ये जो मॉड है दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल का है और इस मॉड का जो नेम है दोस्तों वो है फर्स्ट पर्सन व्यू मॉड। जब आप दोस्तों इस मॉड को अपने गेम में इंस्टॉल करके इसे यूज करेंगे तो आप दोस्तों इस गेम को फर्स्ट पर्सन व्यू में खेल पाएंगे। जैसा कि अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो कैरेक्टर है दोस्तों टॉमी वर्सिटी, वो यहाँ पर दोस्तों इस बंदे को फर्स्ट पर्सन व्यू में मार रहा है और इसका जो लुक है दोस्तों वो बिल्कुल ही अलग आ रहा है। वैसे तो दोस्तों आप GTA Vice City गेम में जो फर्स्ट पर्सन व्यू है वो सिर्फ आप कार के अंदर बैठ के यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर इस मॉड के जरिए जब आप इस मॉड को इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इस मॉड को यूज करेंगे अपने गेम में तो आप दोस्तों अपने जो कैरेक्टर है उसी में दोस्तों आप फर्स्ट पर्सन व्यू में इस गेम को बड़ी ही आसानी से खेल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, आप जब किसी भी गाड़ी में बैठ के इस मॉड को यूज करते हैं तो आपको दोस्तों हेडलाइट के आगे की तरफ से कैमरे का एंगल जो व्यू है वो नहीं मिल रहा है, आपको गाड़ी के अंदर का जो व्यू है वो यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों ये ना सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप इस मॉड को अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस मॉड के काफी सारे और भी फायदे हैं। जैसा कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है और यहाँ पर मेरे ऊपर 1 स्टार की पुलिस लग चुकी है। तो दोस्तों जब भी आप इस मॉड को यूज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा गेम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, बट दोस्तों फिर भी आप इस गेम को बड़ी ही आसानी से खेल पाएंगे और जो मिशन वगैरह है दोस्तों उनको भी आप काफी ज्यादा आसानी से खेल पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस पुलिस वाले को यहाँ पे खत्म कर दिया है और यहाँ पर अभी मेरे ऊपर लग चुकी है 2 स्टार की पुलिस और यहाँ पर इस पुलिस वाले का जो वुडन स्टिक है उसको यूज करके मैं यहाँ पर जितने भी बाकी पुलिस वाले हैं उन सभी को यहाँ पे मार दूंगा। और जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख ही सकते हैं, इस व्यू में खेलने का दोस्तों अलग ही मजा है और जब भी आप दोस्तों थर्ड पर्सन व्यू में खेलते हैं तो उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको इस गेम को खेलने में। बट दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो गेम है दोस्तों वो जो है थर्ड पर्सन व्यू के लिए ही बना हुआ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम GTA Vice City गेम के 6th मॉड के बारे में। ये जो मॉड है दोस्तों वो एक जॉम्बी मॉड है। इस मॉड का दोस्तों जो नेम है वो है जॉम्बी मॉड। और जब भी दोस्तों आप इस मॉड को अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इस मॉड को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जितनी भी लोग हैं दोस्तों GTA Vice City में वो सबके सब आपको यहाँ पर मारने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों आप जो चीट है जानते होंगे कि Nobody Likes Me एक चीट है GTA Vice City में जिसकी हेल्प से दोस्तों सबके सब आपको मारने के लिए आने लगते हैं। बट दोस्तों ये जो चीट है वो उससे भी अलग है क्योंकि जब आप इस मॉड को यहाँ पे यूज करते हैं
तो आपके पास दोस्तों जितने भी लोग हैं वो तो आएंगे ही, बट उनको जो दोस्तों जो है पहले से चोट लगी होगी, यानी कि जो उनकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा कम होगी और उन्हें आप आसानी से किसी भी गन से यहाँ पे मार सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोग आते रहेंगे जब भी आप इस मॉड को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम GTA Vice City गेम में जब भी हमारे कोई पास में होता है तो हम उससे नहीं मार सकते हैं गन से, इसलिए दोस्तों अभी यहाँ पर जो है मुझे काफी ज्यादा दूर दूर जाना पड़ रहा है इन सभी लोगों को मारने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इन सभी को मैं अभी टारगेट पे ले लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सबको यहाँ पे खत्म कर दिया है। और यहाँ पर एक जो आंटी जी हैं ये भी यहाँ पर आ चुकी हैं, तो अभी हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, अभी हम इनको थोड़ा सा दूर जाके इनको भी टारगेट पे लेके आएंगे और इनको भी यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं दोस्तों ये जॉम्बी बन चुके हैं और यहाँ पर ये नाम जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप इस मॉड को यूज करके लोगों को मारेंगे तो आपके ऊपर जो स्टार है वो नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी दोस्तों आप जो है एक मॉड को यूज कर रहे हैं, इस वजह से आपके ऊपर कोई भी स्टार तो नहीं लगेंगे, आपके ऊपर कोई भी पुलिस आपके पीछे नहीं पड़ने वाली है। तो अब दोस्तों बात करते हैं GTA Vice City गेम के 7th मॉड के बारे में। और ये जो मॉड है दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल का है बाकी सारे के सारे मॉड से। ये जो मॉड है दोस्तों, इस मॉड का नेम है दोस्तों फ्लाई कैमरा। इस मॉड को यूज करके दोस्तों आप कहीं पर भी जा सकते हैं, यानी कि अपना जो कैमरा है उसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी मिशन को कर रहे हो और अगर आपको जानना हो कि सामने वाली बिल्डिंग में कितने बंदे खड़े हुए हैं तो आप दोस्तों इस मॉड का यूज कर सकते हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर जाके देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर कितने बंदे हैं। और उसके बाद दोस्तों आप अपनी स्नाइपर को निकाल के किसी भी ऊंची वाली बिल्डिंग पर जाकर आप उन बंदों को बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इस मॉड के काफी सारे फायदे हैं। आप किसी भी गैराज के अंदर जा सकते हैं और गैराज के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि उस गैराज के अंदर कोई भी गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई है, कोई भी बाइक वगैरह खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई है। अगर दोस्तों आपको किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक व्हीकल चाहिए हो तो। और दोस्तों इस मॉड को यूज करके आप कितनी भी ऊपर का व्यू ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप मतलब जितनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं आप उतनी ऊंचाई तक दोस्तों इस मॉड को लेकर जा सकते हैं, यानी कि अपना जो कैमरा है उसको लेकर जा सकते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा जो वाइड एंगल जो है वो दिखने वाला है, जैसा कि अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हमें वाइड एंगल यहाँ पर दिख रहा है। और अभी दोस्तों हम शायद से एक हेलीकॉप्टर की जो लेवल होता है उससे भी ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। इस मॉड को यूज करके दोस्तों आप सेकंड वाली सिटी में भी देख सकते हैं कि सेकंड वाली सिटी में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली सिटी में क्या हो रहा है। और दोस्तों जब भी आप इस मॉड को जहाँ मतलब जिस लोकेशन पे आप इस मॉड को डीएक्टिवेट करते हैं आप दोस्तों उसी लोकेशन पे आ जाएंगे। तो इस मॉड का दोस्तों एक और फायदा है कि आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल जाती है कहीं पर भी इंस्टेंटली जाने की। अब दोस्तों हम बात करते हैं GTA Vice City के 8th मॉड के बारे में। ये जो मॉड है दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि दोस्तों आप एक चीट कोड जानते होंगे GTA Vice City में जिसका नेम है कम फ्लाई विथ मी। जब दोस्तों आप उस चीट कोड को एक्टिवेट करते हैं तो आपकी जो कार है दोस्तों वो पूरी तरीके से हवा में नहीं जाती है। आपकी जो कार है वो एक बार लैंड होती है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के लिए हवा में रहती है, बट दोस्तों जब आप इस मॉड को यूज कर लेंगे मतलब जब आप इस मॉड को अपने गेम में इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप इस मॉड को अपने गेम में रन करते हैं तो जब आप जो चीट है उसे एक्टिवेट करेंगे, यानी कि जब आप इस मॉड को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपकी जो कार है दोस्तों वो एकदम हवा में चलती ही रहेगी और आपको दोस्तों उसे नीचे लाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप दोस्तों जो कम फ्लाई विथ मी जो चीट कोड है उसे यहाँ पे यूज करते हैं तो आपकी जो कार है वो बार बार नीचे आती रहती है, बट दोस्तों जब आप इस मॉड को यूज करेंगे तो वैसा जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो अगर कार है वो अगर हवा में है तो वो हवा में ही रहेगी, अगर आप उसे नीचे जमीन पर लेकर आना चाहते हैं तो वो जमीन पर ही रहेगी। और दोस्तों इस तरीके से आप जो है पूरी सिटी में यहाँ पे एक चक्कर वगैरह काट सकते हैं। बट दोस्तों आप याद रखिएगा कि इस मॉड को यूज करते समय आप अपनी जो कार है या फिर जो भी अपना व्हीकल है उसे आप पानी में लैंड ना करा दें, क्योंकि जब दोस्तों आप अपनी व्हीकल को पानी में लैंड करा देते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो वेस्टेड हो जाएगी, भले ही आप जो स्विमिंग वाला जो मॉड है उसे यूज कर रहे हो। और अपनी गाड़ी को लेके दोस्तों आप फर्स्ट वाली सिटी में आ सकते हैं, सेकंड वाली सिटी में आ सकते हैं। और दोस्तों जब आप अपनी गाड़ी में बैठकर पानी के रास्ते दोस्तों जब आप जाते हैं सीवेज चीट कोड का यूज करके तो आप दोस्तों इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे जितनी जल्दी आप इस मॉड को यूज करके हवा के रास्ते जा सकते हैं सेकंड वाली सिटी में। और दोस्तों इस तरीके से आपको जो मिशन है वो भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सेकंड वाली सिटी में आसानी से जा सकते हैं। आपके लिए जो सेकंड वाली सिटी है वो काफी ज्यादा आसानी से ओपन हो जाएगी। और दोस्तों जो बीच बीच में आइलैंड होते हैं GTA Vice City गेम में आप दोस्तों इस तरीके से वहां पर भी जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप सीवेज चीट कोड का यूज करके वहां पर जाते थे तो आप नहीं जा पाते थे, क्योंकि दोस्तों आपको पानी के रास्ते जाना होता था और पानी के रास्ते दोस्तों आपको
जो आइलैंड है वहां पर जाने की जगह नहीं मिलती थी, बट दोस्तों इस चीट कोड का यूज करके आप अपनी गाड़ी को हवा के रास्ते लेकर उन आइलैंड पे जा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं GTA Vice City गेम के 9th मॉड के बारे में। ये जो मॉड है दोस्तों वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस मॉड को यूज करके दोस्तों आप किसी भी कार के ऊपर जो पैंजर के ऊपर जो मिसाइल लगी होती है दोस्तों, उस तरीके की जो मिसाइल है आप किसी भी कार के ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी दोस्तों व्हीकल में लगा सकते हैं, किसी भी बोट में लगा सकते हैं। जैसा कि अभी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर एक एम्बुलेंस चला रहा हूं और इस एम्बुलेंस का यूज करके दोस्तों मैं जो मिसाइल इसमें चला रहा हूं, तो यहां पर जो सामने वाली गाड़ियां हैं वो किस तरीके से फूटती जा रही है। इस मॉड का जो नेम है दोस्तों वो है माउंटेड मिसाइल मॉड, और जब आप इस मॉड को यूज करेंगे तो आप दोस्तों अपनी माउस वाली की से ही अपनी जो मिसाइल्स है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। और अभी मैंने दोस्तों ये वाली जो कार है वो ले ली है, तो अभी देखते हैं कि इस कार में दोस्तों मैं मॉड का यूज करके इसमें जो मिसाइल वगैरह है वो यूज कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप सामने की तरफ देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस कार से भी मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर सकता हूँ, और सामने वाली मतलब जो एनिमी की जो गाड़ी होगी दोस्तों उनको भी मैं यहाँ पे आसानी से फोड़ सकता हूँ। और दोस्तों जब आप इस मॉड का यूज करेंगे तो आप चाहें जितनी भी गाड़ियां फोड़ लें, आपके ऊपर दोस्तों एक भी स्टार की जो पुलिस है वो नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों इस मॉड का यही एक एडवांटेज है कि आपके ऊपर कोई भी स्टार की पुलिस नहीं लगने वाली है, और आप फ्री हैं जितनी भी गाड़ियां हैं उनको फोड़ने के लिए GTA Vice City गेम में। जब दोस्तों आप पैंजर चीट यूज करते थे और जब आप टैंक से सारी की सारी गाड़ियों को मिसाइल को लॉन्च करके फोड़ते थे तो आपके ऊपर दोस्तों काफी सारे जो स्टार्स हैं वो लग जाते थे, बट दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, आप किसी भी गाड़ी को यहाँ पर फोड़ सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी स्टार्स वगैरह नहीं लगेंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आपके टैंक से कोई भी गाड़ी टकराती थी तो वो फूट जाती थी, बट ऐसे में ऐसा नहीं है। जब भी आपके आसपास कोई गाड़ी आएगी और अगर आप उस पर मिसाइल चला देंगे तो आपकी गाड़ी भी उसी के साथ फूट जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों GTA Vice City गेम के 10th मॉड के बारे में, और ये जो मॉड है दोस्तों इसका नेम है टॉर्नेडो। ये जो मॉड है दोस्तों जब भी आप इस मॉड को अपने गेम में इंस्टॉल करके आप इस मॉड को अपने गेम में रन करेंगे तो आपके सामने दोस्तों सामने की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आ जाएगा एक बड़ा सा टॉर्नेडो, और इस टॉर्नेडो के पास दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे तो आप भी हवा में उड़ने लगेंगे, और जितने भी लोग होंगे जितनी भी गाड़ियां होंगी दोस्तों वो भी हवा में उड़ने लगेंगी। जैसा कि यहाँ पर अभी दोस्तों ये जो गाड़ी है वो हवा में उड़ते ही पलट गई और यहाँ पर ये जो है ब्लास्ट हो चुकी है। इस टॉर्नेडो को दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने गेम में एक चीट कोड टाइप करना होगा जो कि है टॉर्नेडो, बट दोस्तों ये जो चीट कोड है वो तभी वर्क करेगा जब आप इस मॉड को अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इस मॉड को दोस्तों आपको एक फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना होगा जिसका नेम है CLEO। जब दोस्तों आप इस मॉड को अपने CLEO फोल्डर में इंस्टॉल कर लेंगे GTA Vice City गेम के अंदर, तो दोस्तों ये जो मॉड है वो आपके गेम में वर्क करने लगेगा। और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं आपके आसपास दोस्तों जितनी भी गाड़ी वगैरह होंगी वो भी दोस्तों हवा में उड़ने लगेंगी, और अगर आप उस टॉर्नेडो के नीचे आते भी हैं तो दोस्तों आप भी जो है हवा में उड़ने लगेंगे। और जैसा कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक गाड़ी और आ चुकी है मेरे आसपास एक पुलिस की, और वो भी दोस्तों यहाँ पर पलट चुकी है। और ये जो टॉर्नेडो है दोस्तों वो बार बार आता जाता रहता है, यानी कि अगर ये एक बार पूरी तरीके से ऊपर चला जाता है तो फिर से एक नया वाला जो टॉर्नेडो है वो फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। और अगर आप इस टॉर्नेडो को अपने पास लेके आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड पे जो है सी वाली जो की होती है दोस्तों उसे आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो जो टॉर्नेडो है दोस्तों वो आपके पास आ जाएगा और दोस्तों उसके बाद आप हवा में ही लटके रहेंगे। जैसा कि अभी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अभी मैं काफी देर से जो है हवा में हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जितने भी मॉड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए GTA Vice City गेम के वो आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, और दोस्तों आप इन सारे के सारे मॉड्स को अपने गेम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंपल है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इन सारे के सारे मॉड्स को अपने गेम में भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, इन सारे के सारे मॉड्स को अपने गेम में भी यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं काफी सारे जो मॉड्स की जो वीडियो है वो मैं लेके आने वाला हूं इस चैनल पे, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप खुद से ही इन सारे के सारे मॉड्स को अपने गेम में इंस्टॉल कर सकते हैं तो इन सारे के सारे जो मॉड्स की जो लिंक है दोस्तों, मतलब कि जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इन सारे के सारे मॉड्स को अपने GTA Vice City गेम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल है। आपको इन सारे के सारे मॉड्स को अपने GTA Vice City गेम में एक CLEO के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना होगा, तो ये जो मॉड है वो आपके गेम में वर्क करने लगेंगे। और दोस्तों आपको जो CLEO की जो फाइल्स है दोस्तों वो भी आपको अपने गेम में जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों ये जो गेम में जो सारे के सारे जो मॉड है वो वर्क करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको इन सारे के सारे मॉड्स को अपने गेम में इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं दोस्तों आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि इन सारे के सारे मॉड्स को आपको अपने गेम में किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ बढ़िया से नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।
जय हिंद, जय भारत।